फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ई नोट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉटर एंड पिन जॉइंट की असेंबली कैसे करते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। सिर्फ तीन पार्ट होते हैं, सबसे इजी असेंबली है। तीन पार्ट होते हैं, एक हमारा ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, यूनिट इज सॉकेट, ये कॉटर, स्पाइगॉट। सॉकेट में स्पाइगॉट को अंदर डालते हैं, देन ऊपर से हम कॉटर यहाँ पे एंटर करा देंगे, तो ये ऐसा लॉक हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा जो है दैट इज सॉकेट, ये हमने स्पाइगॉट को अंदर लगाया और ऊपर से कॉटर डाल दिया। ये इसका साइड व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट सेक्शनल व्यू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो हम जो सॉकेट है, सॉकेट बनाते हैं, तो सॉकेट का ये डायमेंशंस देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको भी डायमेंशन दिख रहा होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये साइड एंड से। 25 का हमें क्या दिख रहा है, 25 का हमें एक शाफ्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लें। ओके, देखो, सबसे पहले तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये हमने रेफरेंस लाइन एक ड्रॉ कर लिया। अब देखो, अब 25 का हमारा क्या है यहाँ पे, ये शाफ्ट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमने यहाँ पे ये सेंटर मान लिया। ओके, ये सेंटर 525 है, 25 का आधा कितना हो जाएगा, डेट इज़ 12.5 ऊपर की ओर, 12.5 नीचे की ओर हमने मार्क किया। ओके, अब क्या आपको मैं हमेशा बोला हूँ, जो जब भी शाफ्ट की बात आती है, जब भी आप किसी भी असेंबली में शाफ्ट ड्रॉ करते हो, तो वो अपने से उसका कोई भी लेंथ ले सकते हो, बट डायमीटर आपको जो दिया होगा वही उसका डाया होगा, बट लेंथ आप जितना चाहे उतना ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अप्रोक्स 20 mm का ले लिया। ठीक है, 20 mm का मैं लेंथ ले लिया। लेंथ कितना ले लिया मैं, 20 mm लेंथ ले लिया। ठीक है, अब आप इसे ऐसे ज्वाइन कर दो। ओके, ये हमारा शाफ्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्या है, अब आप इसमें देखोगे कि जहां का शाफ्ट का एंड है, फॉर एग्जांपल ये एंड है हमारा शाफ्ट का, यहां से हमारा यहां तक का डिस्टेंस इंटरनल, जहां तक हमारा, जहां पे हमारा स्पाइगॉट फिट होता है, वहां तक का डिस्टेंस 20 है और रेडियस 44। ठीक है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 44 दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये रेफरेंस लाइन पे थोड़ी दूर पे, ठीक है, वहाँ जैसे थोड़ी दूर पे 44 का हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमने सेंटर पॉइंट किया, 44 मीन्स 22 ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ से 22 नीचे की ओर मैंने मार्क कर लिया। अभी क्या बोला है, 20 बोला है। ठीक है, अब यहाँ से 20 फॉर एग्जांपल यहीं पे आ गया, ये यह हमारा यहाँ से यहाँ तक 20 आ गया। ठीक है, हमने ये मार्क किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक और इसका इंटरनल वाले का कितना दिया है, 32 दिया है, तो 32 का एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 32 मीन्स उसका हाफ कितना हो जाएगा, 16, तो 16 ऊपर की ओर, 16 नीचे की ओर हमने मार्क करके एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, ये हमने किया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट है जो हमारा इंटरनल होल है, दैट इज यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज 60, तो यहां से यहां तक हमने मान लिया ये 60 है। अब इसे आप यहां तक एक्सटेंड कर दो। ओके, ये हमने इंटरनल वाला एक्सटेंड कर दिया। सेम टू सेम आउटर को भी हम 20 + 60, यहां से 20 की ओर मीन्स ऐसे यहाँ तक 60 तक हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, और इसे आप ऐसे जॉइंट कर दो, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है 25 और आगे जाना है, इंटरनल वाला 25 और आगे जाएगा। ठीक है, यही बता रहा ना, देखो ये जो इंटरनल ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये होल 25 यहाँ से और आगे जाएगा, तो हम 25 और आगे यहाँ से बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ तक, इसे हम यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने इंटरनल को तो एक्सटेंड कर लिया 25 तक, जो उसका आउटर बोल रहा है 64 और ये 25 mm ऊपर की ओर। ठीक है, 25 mm यहाँ से आएगा, डाउन 64 बनेगा, तो यहाँ हमने यहाँ से यहाँ 25 मार्क किया, तो ये 25 पे हम मार्क कर लेते हैं 64 का हाफ, 32 मीन्स 32
ऊपर की ओर और 32 नीचे की ओर हमने ये मार्क किया, ठीक है। और यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से 25 इधर आना है, 25 मैं इधर आया और इसे ऐसे ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। 25 ऊपर इधर की ओर आया, इससे इसे ज्वाइंट कर दिया। तो ये हमारा क्या है, ये अपना, इसे हम बोलते हैं डेट इज़ माई सॉकेट, सॉकेट का काम हो गया, ये सॉकेट हो गया और ये हो गया सॉकेट कॉलर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे स्पाइगोट, यहाँ पे बीच में स्पाइगोट एंटर कराना है। तो कैसे कराए हम स्पाइगोट, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पे हमारा जो ग्रूव बनेगा, होल बनेगा जिसमें हमारा स्पाइगोट जाएगा, वो कुछ हमारा क्वार्टर होल टेपर टू शूट द क्वार्टर, ठीक है। मींस कितना इसका दिया है उतना यहाँ पे भी होल होगा हमारा, ठीक है। और जो होल होगा हमारे यहाँ बनेगा वो हमें टॉप व्यू में दिख रहा है, डेट इज़ 34 का बोला है। तो यहाँ से एक्चुअली हमारा ये भी कट होता है यहाँ, ठीक है। फिर पर हम यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 34 हमें यहाँ आना है, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से 34 हमें यहाँ आना है, ठीक है। और इसे ऐसे पैक कर देना है, हो गया। अब देखो जैसे सेक्शनिंग किया हुआ है अब ऐसे सेक्शनिंग कर दो इसमें, ठीक ठीक है। तो ये मैंने सेक्शनिंग कर लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, स्पाइगोट जो हमारा है उसे अंदर डालेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक 32 उसका तो वो रहेगा, ठीक है। और देखो ये भी 32 है, ये भी 32 है, और टोटल लेंथ इसका दिया हुआ है, टोटल लेंथ देखें तो टोटल लेंथ इसका एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ दिया है देखें टॉप व्यू में। 5 mm का गैप छोड़ना है, यहाँ से 5 mm का गैप छोड़ के उसके बाद हमारा पूरा स्पाइगोट अंदर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 mm यहाँ पे आए से ऐसे पैक की, ठीक है। एक्चुअली आपको यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसका जो हम जो मैं PDF लेके आपको बता रहा हूँ, ये PDF इस लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेना ये PDF, ठीक है। आपको जो डायमेंशन दिए हैं आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेना, देन फिर आप ये वीडियो देखना, तो आपको एक एक डायमेंशन जो मैं बता रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 5 mm यहाँ से यहाँ मैंने गैप दे दिया, टॉप व्यू में बताया है, उसके बाद हमारा स्पाइगोट लगेगा। तो सिंपल है, स्पाइगोट हमारा यहाँ तक तो नॉन कॉमन ऐसे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन एक बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे होल है जो कि हमारा यहाँ क्वार्टर जाएगा, ठीक है। मैं स्पाइगोट को अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा स्पाइगोट यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ से 22 दिखा रहा है हमारा, 22 इधर की ओर आएगा, ठीक है, सेंटर से 22 इधर की ओर आएगा। नाउ हमारा ये फिर स्पाइगोट कॉलर बनेगा, लेकिन आप देखो यहाँ पे गलती क्या है, हमारा जो ये है ये 25 है, सॉकेट कॉलर तो 25 दी, यहाँ से यहाँ तक तो 25 दिया हुआ हमारा, तो फिर 22 हमारा ये कॉलर अंदर थोड़ी ना बनेगा, ये कॉलर हमारे यहाँ तक अंदर कैसे बनेगा, मीन्स ये कुछ गड़बड़ है। ये 22 को आप 25 कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से 25 तक हम आए, यहाँ से 25 इधर आए, अब देखो 12 mm और इधर आए इधर की ओर आए, ठीक है। ये टोटल कितना दिया, 44 दिया हुआ है, मींस किसके बराबर है अपना 44 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर से 44 मींस 22 ऊपर और 22 नीचे की ओर हमने मार्क किया, और ये 12 स्पाइगोट कॉलर जो है वो 12 mm है। तो यहाँ से मैं 12 इधर आया, यहाँ से 12 जो हमने 44 यहाँ सेंटर्स 22 जो मार्क किया, क्योंकि हमारा जो स्पाइगोट कॉलर का जो टोटल लेंथ है 44, ठीक है। तो 12 mm में आके अब इसे क्या करते हैं, हम पैक कर देते हैं, ये मैंने पैक कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो अब 25 का आपको फिर इसमें शाफ्ट जोड़ देना है, 25 का शाफ्ट जोड़ देना है, मीन सेंटर से 12.5 ऊपर की ओर, 12.5 नीचे की ओर आना है, और यहाँ पे ऐसे शाफ्ट जोड़ देना। अब शाफ्ट का साइज़ मैं बताया हूँ कि जितना चाहे आप उतना ले लो। आपने इधर कितना लिया था,
20, तो इधर भी आप 20 लो और इसे ऐसे ज्वाइन कर दो। ये फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए आपको ये बड़ा ये छोटा दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो, एक ही साइज़ का है दोनों, ठीक है, दोनों एक ही साइज़ का है। हमारा ये हो गया। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, शॉकेट ड्रॉ कर लिया, स्पाई गॉट भी ड्रॉ कर लिया, दोनों को फिट भी कर दिया। अब जो हमारा ये होल है यहाँ पे हमें ये जो हमारा क्वार्टर है इसे डालना है, ठीक है। देखो क्वार्टर का लेंथ टोटल कितना है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स सेंटर से 50 ऊपर, सेंटर से 50 नीचे हम ले लेते हैं, ओके। अब देखो क्वार्टर का 100 दिया है ना, तो मैंने 50 ऊपर की ओर मार्क कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 50 ऊपर हो गया और ये हमारा 50 नीचे की ओर हमने हो गया मार्क कर लिया, और इसका कितना 34 दिखा रहा है, नीचे 26 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, डेट इज़ 34, 34 का हाफ डेट इज़ 17, 17 पे मैंने ये मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, सेंटर लाइन, ये हमने सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ऊपर हमारा यहाँ पे दिखा रहा है 34 है, ठीक, जहाँ पे हमने यहाँ से 50 मार्क किया 34 है, तो ये 34 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये हमारा टोटल डिस्टेंस 34 हो गया। और नीचे हमारा जो 26 दिखा रहा है, 26 दिखा रहा है, ठीक है, तो नीचे मैं ये 26 दिखा रहा हूँ, ठीक है। टेपर बनेगा इसका मतलब, ये 26 यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। अब इसे आप ज्वाइन कर दो ऐसे, तो ये तो आपका स्ट्रेट आएगा, ये आपका थोड़ा सा टेपर आएगा ऐसा कुछ, ठीक है, ये थोड़ा ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये आपका जो यहाँ पे होल में बच गया डेट इज क्लियरेंस, इसे हम बोलते हैं क्लियरेंस, और ये हमारा क्या हुआ है, CUTTER, कॉटर, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि सेंटर में 6 का वो, सेंटर से 3 ऊपर 3 नीचे लीजिए और ऐसे करके इसे सेट कर लीजिए, सेट कर लिया हम, ठीक है, बस ख़त्म। ये देखो कंप्लीट हो गया हमारा कटर जॉइंट, ठीक है। अब आप इसमें बोलोगे कि ऐसा आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल ऐसा, अब किसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिख रहा है, तो क्या करना है आपको, जब आप इसे, अब देखो ये आपका सॉलिड में, अभी जब आप इसे कट करोगे तब आपका कुछ ये ऐसा दिखेगा, ये देखो ये आधा आधा हाफ सेक्शन कट करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। फिर ये कट होगा, ठीक है, ये टोटल सॉलिड है तो कट होगा ऐसे कुछ, हाफ सेक्शन ऐसे कुछ कट होगा, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम, ठीक है, बस हो गया, सबसे इजी है। सॉकेट में स्पाइगोट लाला, होल यहाँ पे कितना था हमने टॉप व्यू देख के बनाया, हमारा स्पाइगोट जो कहाँ पे डालेंगे, यहाँ 5 mm पीछे की ओर आना है, फिर सेम टू सेम कर देना है, ये हमारा क्वार्टर कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब इसकी साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू कैसे बनेगा, सबसे पहला साइड व्यू आपका ये शाफ्ट है ना, ये शाफ्ट का एक सर्किल आप ड्रॉ करो, ये शाफ्ट 25 का था, 525, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12.5 का एक सर्किल ड्रॉ करो, कर लिया। अब देखो अब ये कॉलर का टोटल कॉलर कितना हाइट था, यहाँ कॉलर का हाइट 44, 544 हमारा स्पाइगोट कॉलर, स्पाइगोट कॉलर जो ये है इसका था 45, 44 मीन्स 22 रेडियस लेके एक और सर्किल ड्रॉ कर लो, कर लिया, ठीक है। अब देखो अब सॉकेट कॉलर, सॉकेट कॉलर मीन्स ये रेड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था हमारा, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 64 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 64 का हाफ 32, 32 का एक सर्किल ड्रॉ कर लो, कर लिया ड्रॉ, ठीक है। अब क्या करना है आपको, हो गया काम खत्म। अब क्वार्टर का हाइट कितना दिया है सेंटर से, सेंटर हमने मार्क किया 100 है, 50 ऊपर 50 नीचे लेकर हमने क्या किया, एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब भी देखो यहाँ पे थिकनेस कितना है, ये जो हमारा ये शेडेड लाइन दिखा रहा है ये थिकनेस बता रहा है इसका, ठीक है, जो शेडेड लाइन दिखा रहा था ये थिकनेस बता रहा था 6 का, तो यहाँ से 3 इधर, यहाँ से 3 इधर आओ, ठीक है, ये हमारा थिकनेस हो गया। और इसे आप ऐसे ड्रॉ कर लो सेम टू सेम जैसे इसमें दिया है, मैं अलग कलर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है। ठीक है, बाकी आप इससे डॉटेड लाइन कर लो,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये हमारा, अब जो हमारा ये देखो, ये सॉलिड शाफ्ट जो है हमारा सॉलिड रहता है, सॉलिड शाफ्ट को जब आप कट करोगे तो नॉर्मली है, वो शेडेड पोर्शन निकलेगा, तो आप इसे शेड कर लो। ठीक है, ये हमने सेट कर लिया, हो गया काम खत्म। अब आप इसे मार्क कर लीजिए कि आपका ये जो है 544 है, ये जो है टोटल 6564 है, ठीक, और इंटरनल वाला कितना है, और ये कितना है, दैट इज फाइव, कितना था अपना शाफ्ट का, 25 25 है। ठीक है, तो हमारा ये क्वार्टर ज्वाइंट और पिन ज्वाइंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो हमारा जिस पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना ये क्वेश्चन, उसके बाद आप उसमें डायमेंशन देखना और फिर इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक्चुअली मेरे पास इसका प्रिंट आउट नहीं था, अदरवाइज मैं प्रिंट आउट में अच्छे से बता देता। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, ऐसे और भी काफ़ी जो भी असेंबली ड्राइंग मशीन MDD का जो भी हमारा असेंबली है, लगभग मैं जितना कोशिश किया हूँ 12 13 अभी तक अपलोड कर दिया हूँ, आप देख लेना। ठीक है सब, और रही तो बहुत टाइप का असेंबली ड्राइंग, पूरे इंजन पार्ट, इंजन के एक एक पार्ट्स का डिज़ाइन होता है, बहुत सारे गियर बॉक्स का असेंबली, इतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, कॉमनली मेन मेन जो पार्ट्स हैं असेंबली, वो मैं आपको बताया हूँ। बाकी एग्ज़ाम में हो सकता है कि हमारा जो ये 13 14 सिलेबस में जो दिया है उससे हटकर एक आध पूछ दे, तो कोई बात नहीं है, आपको इतना आप प्रैक्टिस कर लोगे 13 का ना, तो आपको उसका बारीक बारीक चीज़ समझ में आ जाएगा, तो आप उसे भी ड्रॉप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो मैं हर नहीं बता सकता पूरा, बट इतना काफ़ी है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।